बांदा में अनशन स्थल गेट के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण, जिला प्रशासन ने अनशन स्थल गेट में डलवाया ताला। रोड बनवाने को लेकर जिलाधिकारी को दिया था 15 दिन पहले शिकायती पत्र। आजादी से लेकर अभी तक नहीं बनी गांव की रोड। ग्रामीणवासी कई बार लगा चुके अधिकारियों के चक्कर, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। 2017 में शहीद हुए थे राम बहुरी मिश्रा। 2017 में शहीद हुए राम बहुरी मिश्रा की शहादत में गए भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने रोड बनवाने का आश्वासन दिया था। रैनी विधानसभा के ग्राम पंचायत 13 मजरा पांडे पुरवा का मामला। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सतीकांत पांडे है। जी जी, क्या मामला है जो आज आप अशोक लाट में ताला भी लगा है, आप बाहर अनशन पर बैठे? हम लोगों का रोड का मामला है जी। ये सन 2017 में अमर शहीद राम भौरी मिश्रा जी शहीद हुए थे, उस टाइम आला अधिकारी जिले के जिलाधिकारी थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे और सभी मौजूद रहे। उन्होंने आश्वासन भी दिया, कह भी गए थे कि आपके शहीद के नाम से रोड बनेगी, लेकिन रोड नहीं बनी। सन 2024 में इतना बड़ी पांडे जी शहीद हो गए, उसमें भी जो अधिकारी पहुंचे वो भी कह रहे थे रोड बनेगी उनके नाम से, लेकिन रोड नहीं बनी। हम लोग जिलाधिकारी जी को कल पहुँचे, हम ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि आपको रोड बनवानी है या अनशन करना है। मैंने कहा सर आपको रोड बनवानी है, तो उन्होंने कहा कि अगर रोड बनवानी है तो कलेक्शन को बुलाऊंगा और आपकी रोड में हाथों हाथ देसी इसकी स्वीकृति हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन स्वीकृति नहीं हुई है, इसका एस्टीमेट बना है वो भी जो पहले एस्टीमेट बना था उसका 2 किलोमीटर का था और जो इस बार बना है वो 1800 मीटर का बना है, एस्टीमेट को और कम कर दिया गया है, जबकि एस्टीमेट इस बार 3 किलोमीटर का बन रहा है, जो नाप हुई है उसके हिसाब से 3 किलोमीटर का बन रहा है, जो हमारा गांव जुड़ रहा है वो एस्टीमेट हमारा कम हो गया। जय साहब के पास हम लोग गए, डीएम साहब के अनुसार उन्होंने कहा कि आप जाइए एक्शन से बात करिए। एक्शन साहब का फोन आया मेरे पास, मैं गया। हम लोग जब गए एक्शन साहब के पास तो मेरे चाचा जी भी बैठे हैं वहाँ, हम लोगों को इतना बदतमीजी से बात किया और बदतमीजी से एडिटर कॉल करके बोले कि आप यहाँ गेट से बाहर हो जाओ, मैं आपकी FIR दर्ज कर दूंगा और आप मेरे पास दोबारा कभी ना आना और रोड नहीं बननी जो भी है आप लोग अपना कार्रवाई करिए जो करना है। मतलब आपको जो है ये धमका के भगा दिया गया कि रोड हमको भगा दिया गया है, लेकिन और हमको आश्वासन नहीं दिया गया जेई की तरफ से और हम चाचा जी को डांटा भी गया उनकी तरफ। माननीय SDM साहब का भी फोन आया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कल हम मौके पर जाएंगे देखेंगे। मैंने कहा ठीक है सर देखिए, लेकिन एस्टीमेट कई बार बनता रहा, आश्वासन कई मिलते रहे, हमने प्रार्थना पर कई बार दे चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा नाम शालिनी पटेल है और मैं समाज सेवी हूँ, येलू नेत्री भी हूँ और आप देख सकते हैं कि रात जो है करीब 8 बजने वाले होगा टाइम और अभी भी अशोक लाट पे ग्राम पंचायत महुता अंश 13 बाग के ग्रामीण अशोक लाट पे अनशन पर बैठे हैं। वहाँ पर 2017 में श्याम बिहारी राम बहुरी मिश्रा जी जो है देश में रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और दूसरे हमारे भाई जो है चिंतामणि पांडे जी 2024 में CRPF में थे, वो भी मध्य प्रदेश में शहीद हो गए थे और उस 2017 में भी कई जो है पूर्व सांसद जी, तत्कालीन MLA राजकरण कबीर जी, आला अधिकारी गए थे कि हम इस गांव में जो शहीद स्थल तक रोड बनवाएंगे और तब से आज तक जो है ग्रामीण लड़ाई लड़ रहे हैं और कई बार जो है कम से कम 2500 बार ज्ञापन अप्लीकेशन दिए, अनशन में बैठने के लिए दिए, लेकिन बांदा जिला के जो अधिकारी हैं वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।